जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा भैया, जय श्री नमस्कार। और सब कैसे हैं? कृपा है, बोले बाबा जी की। मालिक आप सुनिए, आप कैसे हैं? रजत भाई, मैं ये पूछ रहा था कि उन्होंने आधार अपडेट वेबसाइट से किया है, तो उसमें मैसेज आ रहा है कि सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। ठीक है, आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया है। ठीक है, लेकिन कोई एसएमएस नहीं, मेरे मोबाइल में नहीं है। तो किसने कहा है कि एसएमएस आएगा आपके मोबाइल में? अच्छा, नहीं आता? ये तो आपने अपने मन से जोड़ लिया ना, किसने कहा थोड़ी कि एसएमएस आएगा। जी जी, आपको वीडियो देखी थी, आपने वीडियो बनाई थी मैंने इसके आधार अपडेट के ऊपर। हाँ, उसको देखे हैं, लेकिन कोई मैसेज नहीं मिलता। उस वीडियो में क्या बताया था? वीडियो में ये दिखाया कि ऑनलाइन वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, ऑनलाइन वाले अपना आधार अपडेट कर लें, और बस इतना ही करना है। जिनका हो रहा है ठीक है, जिनका नहीं हो रहा है थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, ये है। तो उसमें कोई मैसेज का मैंने कहा ही नहीं कहीं पे कि मैसेज आएगा आपके पास, कहीं मैसेज दिखाना है आपको, कुछ नहीं है। सिर्फ अपना आधार अपडेट कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, आधार अपडेट करने के बाद एक लाल चेक मैसेज आ रहा है उसी में, उसी वेबसाइट पर। आधार अपडेट हो गया, उसके बाद यार टेंशन नहीं लेनी है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अच्छा अच्छा, सिर्फ उन्होंने कहा था शाइन बोर्ड ने कि अपना आधार अपडेट कर लीजिए, वो भी जिन्होंने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जिन्होंने ऑफलाइन कराया बैंक में जाके, उनका तो आधार कार्ड वहाँ जमा हो ही गया है या आधार नंबर ले ही लिया है। तो जिन्होंने ऑनलाइन कराया है उन्हीं का हो रहा है फिलहाल अभी। ठीक है जी। अच्छा राजेश जी, क्या और सवाल पूछना था? जैसे आपके साथ हम लोग 2 तारीख की यात्रा तो प्रारंभ कर ही रहे हैं, मेरी पत्नी थोड़ा सा, उनका शरीर थोड़ा सा बेडोल है, तो उनको चलने में थोड़ा असुविधा होती है। ठीक है, तो उनको तो घोड़ा या खच्चर करना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन एक है जो एक बैग, हम लोग एक बैग उनके पास छोटा रहेगा, एक बैग मेरे पास। ठीक है, और एक है बैग जो उनके, हम लोग बड़ा बनाए सारे कपड़े रखे हैं, तो पिट्ठू पर उसी के साथ हो जाएगा ना? नहीं, घोड़े वाला थोड़ी बैग उठाएगा आपका। नहीं, जैसे श्रीमती जी अगर जैसे घोड़े पर रहेंगे। हाँ, तो घोड़े वाला आपका इतना बड़ा बैग नहीं उठाएगा। नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। अगर उसमें होगा 5-6 किलो वेट तो उठा लेगा, वो भी हर घोड़े वाला नहीं उठाता है। वो आपको पहले बात करनी पड़ेगी, जैसे यात्री का बैग होता है, कई बार घोड़े वाले कहते हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम टांग लेते हैं। ठीक है, तो घोड़े वाले, कई घोड़े वाले भी पीठ पे टांग लेते हैं अगर 5-6 किलो वेट हो। हाँ, उसी बैग का 10-12 किलो वेट होगा तो घोड़े वाला उठा के नहीं चल पाएगा ना, फिर उसे घोड़े के साथ साथ भागना पड़ता है, क्योंकि श्रीमती जी तो घोड़े के ऊपर होंगी जी, और घोड़े के साथ साथ घोड़े वाले को भागना पड़ेगा, तो कैसे मैनेज करेगा वो? चलिए उसको, हाँ, जिसके लिए आपको अलग से पिट्ठू करना पड़ेगा, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। ठीक है जी, ठीक है। बाकी ये है कि कोशिश कीजिएगा थोड़ी शुरू में पैदल चलने की, जहां तक चल पाएंगी वहां, या पैच में घोड़ा कर लीजिएगा। ये सीधा घोड़ा कर देंगे तो वो तो आपसे बहुत पहले पहुंच जाएंगी, वो तो एक डेढ़ घंटे पहुंच जाएंगी वहां पे, मतलब है ना, तो कहाँ रुकेंगी? तो पैच पैच पे घोड़ा करेंगे, जैसे पिस्सू डॉप के ऊपर तक कर लिया, फिर पिस्सू डॉप से दोबारा कर लिया, या घोड़े वाले से बात कर ली कि साथ साथ चलना, अरे 300-400 फालतू ले लेना, तो वैसे बात करके काम चलेगा। ठीक है जी, हम तो पैदल चला करेंगे, उनको बीच बीच में जहाँ दिक्कत आएगी कर लेंगे घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है प्रभु जी। और कोई सवाल आपका? नहीं, बस इतने करना था, बाकी आपका तो वीडियो मैं पढ़ ही सकता हूँ। बाकी यात्रा की तैयारियां हो गई पूरी आपकी? हाँ, सब यात्रा जो तैयारी अपने वीडियो में सब हो गया है, उनको भी सुबह शाम वो भी मॉर्निंग वॉक निकलती है। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत, हम तो करते ही हैं, बहुत ही तैयारी सब हो गया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है प्रभु जी, मिलते हैं। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।